तराई दरबार में अंडू खसी चढ़ता है और यहाँ पर खसी ही बिकता है। अच्छा, खसी ही बिकता है। लोग कहने वाले कुछ भी कहें, यहाँ पर बधिया और खसी ही चढ़ता है। तो भैया माता रानी के स्थान पे क्या दिखाने वाले हो? ये देखिए हांडी मटन है, ये प्योर बधिये का मीट है। ये प्योर बधिये का, प्योर बधिये का मीट है, एकदम सूखा दुप्याजा। देखिए पानी नहीं लगा हुआ है। अच्छा, एक बूंद पानी नहीं डालते हैं? नहीं नहीं, पानी नहीं डालते इसमें, एकदम सूखा बनता है। खुशबू आ रही है जबरदस्त, सोने पर वाली, सोना पर महक इसका, खुशबू बहुत बढ़िया मिलता है। और भैया ये प्योर अपना खोसू ही होता है? एकदम बढ़िया, एकदम खुशबू। यहाँ पर कहीं भी बकरी आपको दिखाई नहीं देगा। माता रानी दरबार में अंडू खसी चढ़ता है और यहाँ पर खसी ही बिकता है। अच्छा, खसी ही बिकता है। लोग कहने वाले कुछ भी कहें, यहाँ पर बधिया और खसी ही चढ़ता है। अंडू खसी चढ़ता है, हम लोग बधिया मीट लाते हैं, अंडू खसी मीट लाते हैं। ठीक है, बकरी नाम का कोई चीज नहीं। अच्छा, हमारे या किसी भी दुकान पे आपको नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, और ये जो हांडी है रोज बदला जाता है कैसे? हांडी देखिए, हम लोग हांडी को रोज डेली बनाते हैं और डेली इसको फेंक दिया जाता है। खासियत है इसको देखने का तरीका ये है, ये हांडी अगर दूसरा बार बनेगा ना, ये कालापन हो जाएगा पूरा। हाँ, अभी देखिए इसका चमक देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आग लगा है। हाँ, ये वही काला है। हाँ, काला है। बाकी देखिए इसका मटर, ये देखिए एकदम सूखा, एकदम प्याजा है ये भी। मतलब पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते इसमें। इस्तेमाल ये जो है गजब की महक आ रही है यार, जबरदस्त वाली हांडी वाली, सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। ये देखो जी, ये जो है सूखा है, डाले जा रहे हैं और इसमें प्लेट में चावल है, लिट्टी है। भैया कै रुपए की प्लेट लगने जा रही है? ये देखिए 150 रुपए का है। इसमें कितने पीस आते हैं? हाँ, हड्डी वाला इसमें दो पीस आता है। अच्छा, दो पीस आता है 150 में। हाँ, ये देखिए नली, ये नली वाला, ये देखिए बधिये का नली है, ये प्योर बधिये का, प्योर बधिये का है। ये जो है मीट एकदम सूखा बनता है। यहाँ पर आइए, चावल दिखा रहे हैं, ये देखिए 20 का 4 लिट्टी मिलता है। अच्छा, 4 लिट्टी अलग से मिलता है, 4 लिट्टी 20 का। ठीक है, और ये देखिए चावल। अच्छा, ये बासमती का खंडा चावल है। ये बासमती कितना नंबर होता है? ये 60 रुपया है प्लेट है, हाफ 35 है। अच्छा, हाफ हाफ 30, फुल 60। फुल 60, ठीक है। और अपना ये भगोने में क्या है? देखिए ये अलग बनता है, वो तो हांडी वाला बनता है। ये पतीले बनता है, देखिए ये पतीले में। अभी किसी को अगर हांडी मीट नहीं खा रहा है तो हाँ, पतीले वाला है, पतीले वाला है, देख लीजिए। इसका अभी पीस बड़ा रहता है, ये देखिए मेरा माल खत्म हो गया है। अच्छा, खत्म हो गया है, 4 बजे तक मेरा माल खत्म हो जाता है। अच्छा, कितना बनता है रोज? रोज 15 किलो 10 किलो बनता है। 15 किलो 10 किलो रोज बनता है, बाकी वेज भी बनता है अलग से। हमने सुना है कि कई लोग यहाँ पे कहते हैं कि जैसे पतीले में बना के और हांडी के अंदर पलटा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं सर, देखिए हांडी का महक जो होता है सोन महकता है, सोन। पतीले का महक जो होता है गमले की तरह रहता है। उसमें खाने वाले लोग पहचान जाएंगे कि हांडी का है भगोने का है। हाँ, ये अलग अलग महसूस होता है, क्योंकि यहाँ के लोग हांडी में बहुत पसंद करते हैं, सब जानकारी रहता है इस बात। ठीक है ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? ये देखिए चिकन है, चिकन, ये चिकन है, ये दुप्याजा चिकन। अरे वाह भाई साहब, एक बार जो रोगन देखो यार, रोगन देखो वाला, दो प्याजा चिकन है ये। ये देखिए इसका क्या रेट होता है चिकन का? देखिए 160 में 4 पीस मिलता है, 35 रुपये पीस पड़ता है। अच्छा, 35 रुपये पीस। हाँ, देख लीजिए इसका रोगन देखिए। अरे वाह, एकदम सूखा प्याजा। और भैया कौन कौन खाते खाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास लोकल बहुत लोग आते हैं, 60-70 लोग आते हैं जो प्रसादी बेचते हैं। अच्छा, देखिए एक जो प्रसाद बेचते हैं वो भी सारे आते हैं। हाँ, वो घर पे पसंद नहीं करके, यहाँ का मीट जो होता है बहुत बढ़िया बनता है, इसीलिए लोग रोज डेली लंच के टाइम में एक पीस मीट चावल खाएंगे तो खाएंगे। अच्छा, एक पीस खाना तो खाना ही खाएंगे। देखिए रोजगार वाले लोग हैं, कैमरा खोल के देख लीजिए, ये पर देखिए, देखिए पूरा सीट एक भी खाली नहीं मिला। अरे वाह यार, देख लीजिए गजब यार, गजब क्या यार, भीड़ लगी हुई है, एक भी टेबल खाली नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जो है सब फुल है, सब बुकिंग है। ये देखिए शाकाहारी है। अच्छा, ये सादा है, इसलिए सादा बनाया जाता है, 10 लोग आते हैं तो 2 लोग सादा भी खाते हैं, इन लोग इसीलिए उन लोग का व्यवस्था अलग किया है। यानी वेजिटेरियन भी यहाँ पे आराम से खा सकते हैं, आराम से खाते हैं, इसका आदमी अलग है। क्या क्या होता है आपके पास? भटूरे तो दिख रहे हैं, भटूरे देखिए, ये भटूरे है, हवा चल रहा है इसके लिए सामने नहीं रखा जाए। ठीक है ठीक है, ये छोला देखिए, छोला एकदम कलरदार फूल है एकदम। ठीक, यहाँ पर जो लोग बनाते हैं सब शाकाहारी हैं, ये शाकाहारी। हाँ, मतलब पूरा डिपार्टमेंट अलग है शाकाहारी के। देखिए इसका जग जो होता है, गिलास है, इसका प्लास्टिक का है, सब कुछ अलग 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 है, मांसाहारी का अलग और शाकाहारी का अलग। शाकाहारी क्योंकि इस साइड में मांसाहारी, इस साइड में शाकाहारी है। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, क्योंकि जो लोग रहते हैं वो नहीं जानते हैं कि आप कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन हमारा धर्म जो बनता है किसी को वो नहीं कर रहा है। और ये माता रानी के स्थान पे कितना टाइम हो गया आपकी इस शॉप को? ये हमारा 20 साल का दुकान है, 20 साल से यही सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। हाँ, चलता है।
ये माता रानी के आशीर्वाद से 500 परिवार 600 परिवार दुकानें चलती हो, घर पे 10 लोग होंगे, यहाँ पे जो पत्तल वाले हर चीज का यहाँ पर होता है रोजगार, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से बहुत लोगों का पेट यहाँ पर रीति होता है। ठीक है, तो भैया एक बार यहाँ पे आने का पूरा एड्रेस बताइए। यहाँ पर ये तरकुलहा माँ का स्थान है, देवरिया गोरखपुर के रोड के बीच में पड़ता है। ठीक है, फुटावा के पास है, न्यू अदालत करके। अच्छा, न्यू अदालत करके ये आपकी शॉप है। हाँ, और आपके पास कोई आसानी से नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 88086 56 798 ये मेरा नंबर है, यहाँ से तरकुलहा मोड़ तक किसी से पूछ लीजिएगा अदालत का दुकान कहाँ है, ये बता देंगे, आपको पहुँचा भी देंगे। अगर आप 500 दुकान में, अगर 500 दुकान के पास पूछेंगे हमको भैया बढ़िया मीट खाना है, आप बता दीजिए कहाँ मीट बढ़िया मिलता है, हम तो 500 लोग खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन 500 दुकान को आपको यहीं पर बताएंगे। ठीक है, ठीक है, कि यहाँ पर बढ़िया मीट मिलता है, लोग पहुँचा भी देंगे।